हुजूर हर वक्त बंदा जिक्र इलाही में कैसे गुजार सकता है अपना वक्त? इसमें ऐसा है कि जैसे कि जो भी काम शरीयत के मुताबिक करे आदमी, जैसे जिक्र सिर्फ ये अल्लाह अल्लाह यही जिक्र नहीं है, जिक्र की तीन अकसाम है ना, जिक्र बिल लिसान यही अल्लाह अल्लाह ये किया है ना, और जिक्र बिल कल्ब ये दिल का जिक्र, और जिक्र बिल जवारिह यानी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इनका जिक्र, आजा का जिक्र, ये तीन तरह के जिक्र होते हैं नमाजों में, इस नमाज में तीनों जिक्र मौजूद हैं है ना। जबान से हम सूरह फातिहा और जो भी पढ़ते हैं तस्बीहात सुभान रब्बिल अज़ीम वगैरह, ये सब जबान के जिक्र, फिर खुशू खुजू दिल जमी ये दिल का जिक्र, और रुको सुजूद में उठना बैठना ये सब आज़ा का जिक्र। ज़रा हज में भी ये तमाम तीनों जिक्र मौजूद हैं हज के अंदर भी, तो इस तरह मतलब ये कि अच्छा फिर जिक्र की खाली ये कि अल्लाह का नाम लेना अल्लाह अल्लाह करना ये जिक्र तो है, लेकिन यही जिक्र नहीं है, दुरूद पाक पढ़ना ये भी जिक्र है, तिलावत दुआ खुतबा दीन की बातें करना नेकी की दावत देना बयान करना दीन का कुरान हदीस की बातें बयान करना उलमा का, ये सब मतलब जिक्र है। तो यूँ मतलब जिक्र की तारीफ काफ़ी वसी है, तो यूँ कुछ ना कुछ दीन का काम करे दीनी मुताला करे ये भी जिक्र ही में मशगूल है, दीन की बातें सुन रहा है। अब तो बहुत आसान हो गया है, कोई दावत इस्लामी के मुवल्लिक का बयान शुरू कर दिया सुनना, कार चला रहा है सुनता रहे ये जिक्र ही में मशगूल है, नात शरीफ सुन रहा है जिक्र ही में मशगूल है। इसी तरह अगर कुछ भी नहीं करना चाहता लेटा हुआ है अब कुछ नहीं कर सकता सोने की तैयारी है, तो सांस में यूँ करे कि ऊपर ले जाए सांस जब अल्लाह, और नीचे लाए तो नाफ की तरफ इसकी ज़र्ब करे या दिल पर ज़र्ब करे हो, दिमाग की तरफ ले जाए अल्लाह, नाफ या दिल पर इसकी ज़र्ब करे। तो ये एकदम से नहीं आएगा, इसके अगर कोई आदत बनाएगा ना बार बार कर रही है तो ये मतलब इंशाल्लाह नींद की हालत में होता रहेगा, और नींद की हालत को भी सवाब में गुजारने का तरीका हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह, जो माशाल्लाह नक्शबंदियों के बहुत बड़े पेशवा और हम सब के सर के ताज और ज़बरदस्त अल्लाह के नेक बंदे और वलीउल्लाह हैं, बल्कि बहुत सारे वलियों के सरदार हैं, ये इन्होंने एक मकतूब, इनके मकतूबात मशहूर हैं, तो मकतूब माने लेटर, किसी को लेटर में इस तरह की हिदायत आपने जारी की थी कि जब सोने लगो तो आपका सोना भी फजूल नहीं होना चाहिए, वो भी इबादत में गुजरना चाहिए, तो ये नियत कर लो कि मैं इसलिए सो रहा हूँ ताकि मैं अल्लाह की इबादत पर ताकत हासिल कर सकूँ कुव्वत हासिल कर सकूँ, तो इस नियत से सोएंगे तो ये सारा सोना जो है ये भी इबादत में काउंट होगा शुमार होगा। ये हकीकत भी है कि कोई अगर जागे तो नमाज में दिल नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा जाग जाए तो, बस तबीयत में बेकली होगी इस्तराब होगा और सोना पसंद करेगा बंदा, सोएगा तो फ्रेश हो जाएगा, तो ये इबादत में उसको दिल लगेगा, सोकर उठेगा जब नींद पूरी हो जाएगी तो उसको मजा आएगा इबादत में, तो ये सोना जो है इबादत पर मददगार है, तो नियत ये करे, वरना ये कि वैसे ही सो गया तो मुबाह गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये कि इसका सवाब नहीं मिलेगा, और फिर मुबाह चीज़ों पर क़यामत के दिन हिसाब है, ये बड़ी आजमाइश है।